एक कटोरी बाजरा लिया है जिसको थोड़ा हल्का मिक्सी में ऐसा दरदरा कर दिया है, और आधा कटोरी के करीब ये मूंग की धुली हुई दाल ली है। इन दोनों को हम अच्छे से वॉश करके और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए पानी में पहले भीगने देंगे। खिचड़ी में डालने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और कटिंग कर लिया है। ऑनियन, बीन्स, कैरेट, थोड़ा सा जिंजर लेंगे, कोरिएंडर लीव्स, टोमेटो एंड थोड़े से मटर लिए मैंने, ये फ्रेश मटर के दाने हैं। चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये खिचड़ी आज हम कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले कुकर में एक चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। होते ही हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा जैसे ही स्प्लैटर होना स्टार्ट हुआ तो हम इसमें सबसे पहले कटी हुई अदरक डालेंगे। थोड़ा सा अदरक भुनने के बाद इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे। एंड अभी हम अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी हैं वो डाल देंगे, हमारी मटर भी डाल देंगे और सब्जियों को थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। सब्जियाँ थोड़ी फ्राई होने के बाद हम कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें, और बाकी का धनिया हम जब ग्रेटिंग करेंगे उसमें डालेंगे। अभी इसमें मसाले डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक। अभी जो हमने दाल और बाजरा भी धो के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और वेट करेंगे 4 सीटी आने तक। खिचड़ी को अकंपनी करने के लिए हम एक रायता बनाएंगे, दूधी का रायता बनाएंगे। उसके लिए मैंने दूधी को कद्दूकस करके लिया है। सबसे पहले इस कद्दूकस किए हुए दूधी को हम ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के लिए यहाँ एक पतीले में पानी गर्म हो रहा है, तो ये जो हमारी दूधी है ये हम पानी में डाल देंगे। दूधी को पानी में सिर्फ 1 मिनट तक हम ऐसे ही बॉईल कर लेंगे ताकि दूधी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और रायते में हमें कच्ची ना लगे। रायता बनाने के लिए दही में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दही थोड़ी सी पतली हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दही में हम अपनी ब्लांच की हुई दूधी डालेंगे जो हमने ब्लांच करके रखी थी। इसमें थोड़ी सी डालेंगे काला नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमारा दूधी का रायता बनके बिल्कुल तैयार है। और हमारी खिचड़ी भी बनके एकदम तैयार है। इसमें हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे और अभी इसको हम टिफ़िन में पैक करेंगे। तो टिफ़िन में खिचड़ी डाल दी है, ये रायता है जिसको मैं ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी, और ये लंच का टिफ़िन बिल्कुल रेडी है।